इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, अध्याय 9, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें समय के अनुसार चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। इतने सारे बदलाव करने के बाद भी, बिकॉज अब तक 101 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है, इतने सारे बदलाव करने के बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों वैसा ही है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स वैसे ही हैं जैसे जब हमने इसे अडॉप्ट किया था उस समय थे। जुडिशरी, जिसे हम हमारी न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने में। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो समय के अनुसार इवॉल्व होते रहता है और जो चेंजिंग सिचुएशंस होती है इन्हें रिस्पॉन्ड करने का काम भी करता है, राइट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होते हैं दोस्तों? पहला सवाल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होते हैं? तो इस सवाल का जवाब देखते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को और इसका फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हमने किया था 26 जनवरी 1950 को। तब से लेकर अब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ही बेस पे हमारी कंट्री रन करते आ रही है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही हमारी कंट्री को हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने और दो सवाल इससे संबंधित आ जाते हैं। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, इतना बेहतर है कि इसमें किसी भी तरीके की बदलाव की आवश्यकता नहीं है? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 1949 में अडॉप्ट किया, 1950 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टार्ट किया, फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी वैसा ही है जैसा उस समय था। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि इसमें किसी भी तरीके की बदलाव की आवश्यकता नहीं है, राइट। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है दोस्तों, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, क्या इनके पास इतनी दूरदृष्टि थी कि इन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया जो संविधान आने वाली फ्यूचर में जो प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी अपने साथ रखता है, ठीक है। दोनों ही सवाल हमने देखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन हमने देखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो इन सम सेंस, कुछ सेंस में हमें ये सही के रूप में मिलता है। जी हाँ, हमें विरासत में एक ऐसा संविधान मिला है जो कि एक रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। बट दोस्तों, अगर इसकी दूसरी बातें हम देखें, ये इस तरीके से क्यों है? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, ये हमारे कंट्री को सूट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास दूरदृष्टि थी, उन्होंने फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन अराइज हो सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने चैलेंज के रूप में आ सकती है, इसका सोल्यूशन इन्होंने पहले ही प्रोवाइड करा रखा है। बट कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। हर डॉक्यूमेंट में बदलाव की ज़रूरत होती है समय के अनुसार। इस बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है। क्या इसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं चेंजिंग नीड के बेस पर, अगर सोसाइटी फील करे तो? देखिए, व्याख्या करने के लिए इनफ स्पेस यहाँ पे रखा गया है और हमारी पॉलिटिकल प्रैक्टिस एज वेल एज हमारी न्यायपालिका ने समय समय पे इस तरीके का काम किया भी है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट रादर देन अ क्लॉज एंड स्टैटिक बुक्स। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को यही फैक्टर एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में बनाते हैं। एक स्टैटिक रूल बुक नहीं होती, एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है जो चेंजिंग सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का काम भी करता है। किसी भी सोसाइटी में दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है तो उस समय वो सोसाइटी जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उस समस्याओं को सॉल्व करने में क्या किया जाना चाहिए, ऐसे प्रोविजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। बट उसी समय इन फ्यूचर में किस तरीके की प्रॉब्लम कंट्री के सामने आ सकती है, कौन सी समस्याएं सोसाइटीज़ के सामने खड़ी रह सकती है और उसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इन समस्याओं को किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट, इन चीज़ों का आंसर भी या इसके लिए प्रोविजंस भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। इन दिस सेंस, इसका अर्थ इस तरीके से देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कंटेम्प्ररी, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है उस समय की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आ सकती है इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। तो यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन की वजह से दोस्तों इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ये इंक्रीज होती है, इसका महत्व बढ़ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई फ्रोजन डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है, कि जिसमें किसी भी तरीके का चेंज कभी नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन बींग्स द्वारा ही बनाया गया है, तो इसमें आवश्यकता है कि आप समय के अनुसार इसे रिवाइज कीजिए, इसमें चेंज कर सकते हैं, इसे रीएग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट ड्रीम्स एस्पिरेशंस ऑफ कंसर्न सोसाइटी। ये सत्य है दोस्तों कि हमारा जो संविधान होता है ये जिस सोसाइटी का होता है, जैसे कि हम हमारे भारतीय सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे सपने,
हमारे एस्पिरेशंस, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा होता है, ये इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। इट मस्ट ऑल्सो केप्ट इन माइंड, इस बात को आपको माइंड में रखना है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ दी सोसाइटी, कि भाई ये किस तरीके का फ्रेमवर्क होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एक सोसाइटी को प्रोवाइड कराता है, और सोसाइटी ने इस इंस्ट्रूमेंट को उनके द्वारा ही बनाया है, ठीक है। तो देखिए इस यहाँ पे हमें ड्यूअल रोल देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे करने का काम करता है। जैसे कि दो और क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के रूप में हम इन्हें देखेंगे, क्या भाई कॉन्स्टिट्यूशन इस इतना पवित्र डॉक्यूमेंट है, क्या इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है, ठीक है, क्या कोई पवित्र डॉक्यूमेंट में, हाँ आज जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, कोई भी उस धार्मिक ग्रंथ को बदलने की बात नहीं कर सकता, बिकॉज वो धर्म ग्रंथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी यहाँ पे सवाल आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कंट्री के लिए एक रूल बुक की तरह होता है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन भी फिर इतना पवित्र हो जाता है क्या भाई, हम इसे बदल ही नहीं सकते, इसमें कोई चेंज हम कर ही नहीं सकते। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो ऑर्डिनरी अल्टरनेटिवली इज इट सो ऑर्डिनरी एन इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन बी मॉडिफाइड जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ये है जिसे हम आसानी से बदल सकते हैं। पहला सवाल तो यह है दोस्तों, क्या इसे हम बदल ही नहीं सकते, इतना पवित्र ये डॉक्यूमेंट है, इसकी पवित्रता को हम मानते हैं। दूसरा है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हम आसानी से बदल सकते हैं। दो सवाल हमारे सामने थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे इन बातों से ये अवेयर थे, इसे अच्छे से जानते थे, और इसीलिए इन्होंने एक अच्छा बैलेंस बनाने का काम किया है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो ऑर्डिनरी लॉ है जिसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर रखा है, ठीक है। द प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन अबो द ऑर्डिनरी लॉ एंड एक्सेप्टेड दैट फ्यूचर जनरेशन विल रिस्पेक्ट दिस डॉक्यूमेंट, और इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगी इस डॉक्यूमेंट की रिस्पेक्ट करेंगी। बट उसी के समय साथ दोस्तों इन्होंने रिकग्नाइज भी किया था कि फ्यूचर में इस डॉक्यूमेंट में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। तो देखिए जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देखने को मिलते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी काफ़ी सारी चीज़ों पर डिफरेंस ओपिनियन ओपिनियन रखा करते थे, राइट। वेन एवर सोसाइटी वुड वियर टूवर्ड एनी पर्टिकुलर ओपिनियन अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप्रोचेस मेंशन अबो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्केयर डॉक्यूमेंट सेक्रेट डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए हमारे भारतीय संविधान ने इन दोनों चीज़ों को का ध्यान रखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो पवित्र डॉक्यूमेंट के रूप में है, ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी किए जाने चाहिए समय के अनुसार। तो ये जो दोनों सवालों का जवाब हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेट तो है ही हमारे लिए, बट इसमें इसे चेंज करने के लिए भी जगह दी गई है, स्कोप दिया गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ स्टेटिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरी थिंग, इट इज़ नॉट अनअल्टरेबल, राइट। अब भाई जब हम कह रहे हैं कि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम या समय समय के अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो किस प्रकार इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे अमेंड कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा आर्टिकल 368, राइट। आर्टिकल 368, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन वेरिएशन रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लाइड डाउन इन दिस आर्टिकल। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदला या हटाया जा सकता है, राइट। तो देखिए अगर आवश्यकता है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बट इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को भी ध्यान रखा है कि इसे इस तरीके से बदला ना जाए या फ्रीक्वेंटली इसमें चेंजेस नहीं किए जाए, जब नेसेसरी है, जब बहुत ही ज़रूरत महसूस हो रही है सोसाइटी को तब इसे हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमने बात की कि एक सेक्रेड है, मतलब इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसे बदला ही नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। हमारे सोसाइटी के लिए कुछ प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं जो कि रिजिड है, अगर इसे बदलना भी है तो इतना आसान नहीं है,
आसान नहीं है, इसका अर्थ यही है कि बदलना मुश्किल है, मतलब नहीं बदल सकते। दूसरी बात, फ्लेक्सिबल है, मॉडिफिकेशन के लिए स्कोप भी है। अब फ्लेक्सिबल इसमें कौन सी चीज़ें हैं या रिजिड कौन सी चीज़ें हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं, और रिजिड चीज़ को हमारे जुडिशरी ने किस तरीके से देखा है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है कि ओपन टू चेंज, और रिजिड का अर्थ होता है कि रिजिस्ट करता है चेंज को। बट दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है, ठीक है। इन द केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड, दे डिस्क्राइब्ड एज रिजिड। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं बदलाव के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, उन्हें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जो काफ़ी आसानी से बदले जा सकते हैं, इन्हें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा जाता है। हमारा भारतीय संविधान दोनों दोनों ही कैरेक्टर को अपने साथ रखता है। किस तरह से अब हम अमेंड कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं तीन तरह से। एक तो हम सिमिलर या यू कहे कि जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं इसकी तरह से इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन से आर्टिकल पे ये अप्लाई किया जाता है ये भी मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा दूसरा एक मेथड होती है दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, स्टेट हाउस ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, ये अर्थात लोकसभा और जो राज्यसभा है, इसके दोनों सदनों में हमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी मेथड ये है दोस्तों कि आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, बट स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो हमारे लेजिस्लेचर है, ठीक है, हमारे लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन की इसमें ज़रूरत पड़ती है। एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या देखा, बिकॉज पीछे जो पॉइंट हमने देखे ये इतने ज़्यादा नहीं थे, बट स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो मैं एक बार आपको क्विकली से रिवाइज करा देता हूँ, समझ में आना ज़रूरी है, राइट। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटवर्क की NCERT का चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे देख रहे थे। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको कहा था कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में को हम अमेंड कर सकते हैं समय के अनुसार, और काफ़ी सारे अमेंडमेंट अब तक किए जा चुके हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही है, इसका बेसिक प्रिंसिपल वैसा ही है जैसा उस समय था जब जब हमने इसे अडॉप्ट किया था, राइट। हमारी जुडिशरी ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इसे प्रोटेक्ट करने में और इसकी व्याख्या करने में। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो समय के साथ इवॉल्व होता रहता है और चेंजिंग सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का काम करता है। कुछ हमने इन्फॉर्मेशन देखी थी दोस्तों जो आपको पता ही होंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब अडॉप्ट किया, कब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास ऐसी दूरदृष्टि थी जिन्होंने इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हमें विरासत में दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय की कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी अपने पास रखता है, बट इन फ्यूचर में जो समस्याएं हमारे सामने आने वाली है इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके प्रोविजन भी अपने पास रखता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, इसे ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है, इंसानों ने ही इसे क्रिएट किया है, इसमें कुछ गलतियां रह सकती है। तो समय के अनुसार जब वो गलतियां हमारे सामने आती है तब हम उसे दुरुस्त कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, दो सवाल ये भी आते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें मतलब ये इतना पवित्र है कि अब पवित्र डॉक्यूमेंट तो होता ही है कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट, राइट, कि इतना पवित्र है। सवाल यह है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते, या यू कहे कि दोस्तों इसमें आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों बातों का ध्यान रखा है, दोनों बातों को कंसिडर किया है कि आप इसमें चेंज कर सकते हो, बट इसमें चेंज दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक आसानी से इसमें चेंज किया जा सकता है, अब कौन से वो प्रावधान है जिसे हम आसानी से अमेंड कर सकते हैं वो मेंशन किए जा चुके हैं, और कौन से वो प्रावधान है जिसे चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट है या यू कहे कि बहुत ही मुश्किल है। और देखिए दो कॉन्सेप्ट है ना, पहले हम बात कर रहे हैं, इसे मैं क्लियर करता हूँ, रिजिड की, कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होता है। रिजिड होता है इसका अर्थ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा प्रावधान जिसे बदला नहीं जाना चाहिए। सोसाइटी चाहे तो बदल सकती है, सोसाइटी के पास अधिकार दिया गया है बदलने के लिए, बट इस प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट बनाया गया है। बट मान लीजिए कि जो प्रोसीजर है इसे बदलने के द्वारा, जो प्रक्रिया है इसमें चेंज करने के द्वारा, कितना भी ये रिजिड हो, राइट, कि 100 मेंबर्स है पार्लियामेंट में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 100 मेंबर्स की सहमति की ज़रूरत है, 100 मेंबर्स ने सहमति दे दी, राइट दोस्तों, और इस प्रावधान को बदल दिया गया, बट ये प्रावधान बहुत आवश्यक था, इसे बदला नहीं जाना चाहिए था, फिर ऐसे में क्या रिजिडिटी का क्या अर्थ रह जाएगा दोस्तों? ऐसे में रहती है हमारी जुडिशरी, और हमारी जुडिशरी ने एक नए तरीके से ये जो रिजिड वाली कंसेप्ट है इसे डिफाइन किया है, और वो नया तरीका क्या है इसे हम लास्ट में देखने वाले इस चैप्टर के, राइट। तो हमने अब तक ये सब इन्फॉर्मेशन देखी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, स्लाइड ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। अब स्लाइड आपके सामने आती है और वो पॉइंट रह जाते हैं, और जो स्टूडेंट स्लाइड पढ़ते हैं, जो हमारे लर्नर स्लाइड पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है
या इंस्ट्रक्टर या एजुकेटर दूसरी बातें बता रहा है जो स्लाइड में लिखी नहीं है, राइट। तो स्लाइड उन लोगों के लिए होती है जो वीडियो देखने के बाद स्लाइड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हम किस बात के और बात मतलब क्या बात कर रहे हैं, आप इस पे फोकस कीजिए, अपना ध्यान लगाए रखिए, इसीलिए आपका फोकस बना रहे कि पेन चलता रहता है, ठीक है। तीन तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं। एक हम एक ऑर्डिनरी लॉ के तहत अमेंड कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन अमेंड किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया गया है। स्पेशल मेजोरिटी के तहत अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 का एक पार्ट है ये, और आर्टिकल 368 में दो दो तरीके से अमेंडमेंट होता है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ जो स्टेट है हमारे यहाँ से हमें रेटिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों पहले वो डॉक्यूमेंट वो प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसे हम आसानी से बदल सकते हैं। अनुच्छेद 2 को आप देखिए, संसद विधि द्वारा संघ के बाय लॉ, बट बाय लॉ संसद विधि द्वारा संघ संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है। तो दोस्तों हमारी जो संसद है ये विधि द्वारा हमारे हमारा जो संघ है, हमारा जो यूनियन है, इसमें किसी भी नए राज्य को प्रवेश दे सकती है अगर कोई आना चाहे तो। आर्टिकल 3 हमें बताता है संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ठीक है। और बाय लॉ हमारे हमारी जो पार्लियामेंट है ये किसी भी राज्य का जो एरिया है उसे इंक्रीज कर सकती है, राइट, बढ़ा सकती है। अब देखिए दोस्तों तीन प्रोसेस है, अब ज़्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट ही यहाँ से आगे हम देखेंगे। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी, और जो हमारे आधे राज्य है इनसे रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता है आर्टिकल 368 की तहत। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो कंसिडर कीजिए कि सदन में 140 प्लस मेंबर है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितने हो गए फिर 70। इसे प्लस कर दीजिए 1 से, हो गए 71। तो 71 की ज़रूरत है भैया सिंपल मेजोरिटी के लिए, जो कि आसानी से मिल जाती है। और दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, यहाँ पे इसके जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। दिस इंक्लूड द फॉर इसमें ये चीज़ें आती है कि भाई आप नए स्टेट बना सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रावधान इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की, जो कि आर्टिकल 368 के तहत आती है। देखिए दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की होती है, ठीक है। इसमें हमें जो टोटल मेंबरशिप होती है हाउस की, सदन की जो टोटल मेंबरशिप होती है उसमें मेजोरिटी हमें चाहिए, ठीक है, और वो भी 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितने लोग पार्लियामेंट में प्रेजेंट है वोटिंग कर रहे हैं उसके 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। एक बात आप समझिए कि ये मेजोरिटी है जो हमारे सदन की टोटल मेंबरशिप है इसकी, जितने लोग वोटिंग करेंगे उनकी वोटिंग का जो रिजल्ट होगा ये 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि लोकसभा की हमारी स्ट्रेंथ है 545 मेंबर्स, ठीक है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसे 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितने रह गए 273 मेंबर्स। अब बिल पास करने के लिए आपको 273 मेंबर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर 300 लोग भी प्रेजेंट है हाउस में तब भी आपको इतने ही मेंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज ये स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी नहीं है। सो द बेसिक थिंग बिहाइंड द अमेंडमेंट इज दैट इट इज टेक कि जो ऑपोजिशन होता है भाई इन्हें भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के प्रावधान बनाए गए हैं जिन्हें हम स्पेशल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं, राइट, स्पेशल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं। जिस ऐप का मैं भी यूज़ कर रहा हूँ ना, काफ़ी अच्छा ऐप है ये, अच्छे से लिखा जा रहा है इसमें, ओके। बात करते हैं दोस्तों थर्ड टाइप की, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की तो ज़रूरत होती है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है काफ़ी आसानी से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर हमारे हाउस की स्ट्रेंथ है 545 डिवाइड बाय 2, ये हमें मिलता है 273, राइट। तो हमें चाहिए 273, और जितने लोग वोटिंग करेंगे इसके 2/3, जितने लोग प्रेजेंट है हाउस में इसके 2/3, और हाउस में कितने भी लोग प्रेजेंट है दोस्तों, अगर 300 भी लोग प्रेजेंट रहेंगे फिर भी हमें चाहिए इतने ही मेंबर स्पेशल मेजोरिटी। इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है कि जो हमारे ऑपोजिशन के पार्टीज होती है, लीडर्स होते हैं, इन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जा सके। कुछ कंडीशंस में दोस्तों जहाँ हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करना है, राज्य और केंद्र के बीच में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है इसमें चेंज हमें करना है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल पावर में चेंज हमें लाना है, तो ऐसे कंडीशन में हमें स्टेट की रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी काफ़ी नहीं होती। जैसे कि इट रिक्वायर द असेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, भैया हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की असेंट की आवश्यकता होती है, स्पेशली जब फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित कोई अमेंडमेंट हमें करना हो। तो रिसेंटली हम ऐसा अमेंडमेंट हमारे वहाँ किया गया था,
आपको पता है उसे अब 1 साल भी हो चुका है जीएसटी, और जिसे हाफ ऑफ जो हमारे आधे स्टेट है, यहाँ से रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता थी, राइट? तो ऐसा किया गया था। तो यहाँ पे स्टेट के असेंट की आवश्यकता है, इसे ऊपर रख दे, इसे यहाँ पे स्टेट के असेंट की जरूरत होती है। एज वी हैव रीड इन द चैप्टर फेडरलिज्म, भाई फेडरलिज्म तो आपने देखा होगा ना, नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लीज, 11.7 अर्थात क्लास 11 की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इस बुक का चैप्टर नंबर 7 है फेडरलिज्म। अच्छे से सब चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है, एक बार देख लेना उसे ज़रूर अगर नहीं देखा है तो। फंडामेंटल राइट को अगर अमेंड करना है दोस्तों, तो ऐसे में स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता है, प्लस आपको रेटिफिकेशन भी कराना होगा हाफ ऑफ द जितने हमारे स्टेट हैं इनके लेजिस्लेचर से, ठीक है? अगर हम दूसरे एरियाज की बात करें, जैसे कि थर्ड मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, तो दूसरे एरिया में देखिए ये सेक्शन अगर आपको अमेंड करना है, तो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन की प्रोसेस, हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में इनकी जो पावर है, इससे संबंधित कोई अमेंडमेंट अगर हमें लेकर आना है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें थर्ड जो मेथड है अमेंडमेंट की, इसका इस्तेमाल करना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू लार्ज स्केल कंसेंसस एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पे कंसेंसस का फोकस किया गया है और पार्टिसिपेशन स्टेट का लिमिटेड रखा गया है, अर्थात 50% जो हमारे आधे स्टेट है, हाफ स्टेट, इनकी रेटिफिकेशन की हमें आवश्यकता है। हमारे फाउंडिंग फादर इस बात को अच्छे से समझते थे दोस्तों, और इस बात के इन्होंने केयरफुली ध्यान भी रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतने आसानी से कोई अमेंड नहीं कर सके, यूँ कहे कि इजीली इसे कोई टेम्पर ना कर सके, राइट? इसीलिए तो हमारे जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि अगर ऐसा कोई करता भी है, कोई अमेंडमेंट ये लोग लेकर भी आते हैं पार्लियामेंट में, और ये अमेंडमेंट सही नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से, तो भाई उसे नल एंड वॉइड, या यू कहे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है हमारी जुडिशरी। ये चीज़ें हमने जुडिशरी वाले चैप्टर में देखी थी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 था इसी बुक का, नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस बुक के सारे चैप्टर आपको देखने हैं, राइट? और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है कि हमें ये समझा नहीं, ठीक है? फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है इस सीरीज से संबंधित दूसरी चीज़ें आपको इसे अच्छे से समझाने के लिए। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। तो फ्यूचर जनरेशन को इस तरीके के अधिकार दिए गए हैं कि वो समय के अनुसार अपने आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट एक वर्ड आप देखिए कि जो चेंजिंग नीड्स है, इसे कंसिडर करते समय अगर रिक्वायरमेंट हो तो ही, आसानी से इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अब हम ये देखेंगे कि अब तक तकरीबन यहाँ पे एक डेट दी गई है 26 जनवरी 2006, मतलब वो डेट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 56 ईयर हो रहे हैं फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन के। तो हमें ये देखना होगा दोस्तों कि अब तक इतने सारे अमेंडमेंट कैसे हो गए, जैसे कि 56 ईयर में 93 अमेंडमेंट्स हो चुके थे, जबकि अभी 2018 चल रहा है, आपको ये बताना है कि अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट? मैंने इसका आंसर इसी इसमें दिया है, इसी लेसन में, इस वीडियो में, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। ओके, और रिसेंटली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, आपको ये भी बताना है। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो हमें ये देखना होगा कि कौन से एरियाज में हमें हमने अमेंडमेंट किए हैं, ठीक है? रिलेटिवली डिफिकल्ट मेथड हमने रखी है अमेंडमेंट करने की, इसके बावजूद भी इतने सारे अमेंडमेंट हो गए, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 93 नंबर हमें ये दिख रहे हैं, 93 अमेंडमेंट किए गए हैं 56 ईयर में, तो ये काफ़ी सारे अमेंडमेंट अब तक तो हो चुके हैं, जबकि प्रोसेस तो इतने डिफिकल्ट है, ठीक है? अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया तो अभी हमने देखी ना, 3 तरह से किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, राइट? फिर भी इतने ज़्यादा अमेंडमेंट कैसे हो गए, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट हाउ इट इज सो मेनी अमेंडमेंट टू प्लेस इन वॉट इट्स मीन। भाई इतने सारे अमेंडमेंट कैसे हो गए अब तक, चलिए इसे इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसे देखते हैं और इसका क्या अर्थ यह है ये भी देखते हैं। पर डेकेड के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखिए कौन से साल में हमें ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए दिखाई देते हैं। अगर हम ईयर टेकन फॉर एवरी 10 अमेंडमेंट ये देखें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके लिए क्लियर होती है, पीपीटी आपको मिल जाएंगी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, बट इस लेसन को लाइक ज़रूर कर देना आप। अब तक जो अमेंडमेंट दोस्तों हमारे यहाँ पे किए गए हैं, इसका कंटेंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अमेंडमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स में, जैसे कि टेक्निकल अमेंडमेंट, अब इसका क्या अर्थ है।
इसका अर्थ दोस्तों ये है कि अमेंडमेंट तो किया गया है बट लीगल सेंस में। ये अमेंडमेंट हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल तौर पे देखिए कि 15th जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट नंबर 15, इस अमेंडमेंट में जो एज क्राइटेरिया था हमारे जुडिशरी के जजेस का, इसे इंक्रीज कर दिया गया था 60 से 62 तक। बाद में 55th अमेंडमेंट किया गया दोस्तों, ये भी इसी से संबंधित था कि जो सैलरीज होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की, इससे रिलेटेड ये प्रावधान था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों रिजर्वेशन के बारे में। आपको पता होगा कि इनिशियली रिजर्वेशन 10 साल के लिए रखा गया था, बट बाद में इसे इंक्रीज किया गया, मतलब इसे आगे एक्सटेंशन इसे दिया गया, और इसे 5 बार अब तक एक्सटेंशन दिया जा चुका है। तो 5 बार इसे एक्सटेंशन दिया गया। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसका तो ये पार्ट हमें नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो आई मीन मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो इसे इस डेट को इंक्रीज किया जा रहा है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रावधान में थोड़ी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अमेंडमेंट कितने हो गए, फिर 5 अमेंडमेंट हो गए। हमने देखा ना कि 93 अमेंडमेंट हो गए, तो भैया 93 अमेंडमेंट में से तो 5 अमेंडमेंट इन रिजर्व सीट के बारे में ही है जिसके एरिया को एक्सटेंड किया गया, तो 5 अमेंडमेंट इसमें से इसके हो जाते हैं। 2 अमेंडमेंट हमने देखे कि जजेस की एज लिमिट को बढ़ाया गया, उनकी सैलरीज को बढ़ाया गया, इससे संबंधित किए गए। ठीक है, तो इस तरीके के अमेंडमेंट किए गए हैं, ये अमेंडमेंट भी इसमें आते हैं, इसीलिए ये नंबर हमें इतना ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, देखिए काफ़ी बार जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है, हमारी जुडिशरी हमारी न्यायपालिका जो व्याख्या करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी पार्लियामेंट उससे सहमत नहीं होती, तो न्यायपालिका द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, हमारी पार्लियामेंट उसे ओवरकम करने का काम करती है उस रूलिंग का। ठीक है, इससे संबंध में भी अमेंडमेंट किए गए, और ऐसे अमेंडमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं 1970 से लेकर 1975 के बीच में। ठीक है, और ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली होती है इस समय के बीच में। हमने देखा ना वो कॉलम, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन से ईयर्स है जहाँ पे अमेंडमेंट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दोस्तों, अमेंडमेंट थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। पॉलिटिकल कंसेंसस के संदर्भ में भी अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसे कि देखिए एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। ओके, जो दल बदल कानून लेकर आए थे, इसमें 52nd अमेंडमेंट इससे संबंधित था, फिर और इसमें चेंज किया गया 91st अमेंडमेंट में। ओके, अब 56th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, तो वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया, वोटर की एज को 21 से लेकर उसे 18 कर दिया गया। ठीक है, और 73rd 74th अमेंडमेंट हमें देखने को मिला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों 77th 81th और 82 जो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पास किए गए, हमारे पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए 1992-93 के पीरियड में, एन ओवरऑल कंसेंसस इमर्ज इन द कंट्री अबाउट दीज मेजर्स एंड देयर फॉर अमेंडमेंट रिगार्डिंग दीज मेजर वेयर पास्ड विदाउट मच डिफिकल्टी। इन द सेम पीरियड देयर वेयर सम अमेंडमेंट क्लैरिफाइंग एंड एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन। तो इन संबंध में ये अमेंडमेंट यहाँ पे किए जा चुके हैं। ओके, अब हम कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों 1970 कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। 1970 से लेकर 1980 के पीरियड में हमारे देश की संसद ने जो अमेंडमेंट पास किए, इन अमेंडमेंट्स को कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट के रूप में देखा जाता है, स्पेशली 1971 से लेकर 76 के बीच में। देखिए दोस्तों इस समय जो रूलिंग पार्टी अमेंडमेंट लेकर आई, इस अमेंडमेंट को ऑपोजिशन पार्टी ने इस तरह से विरोध किया। ऑपोजिशन पार्टी का कहना था कि भाई रूलिंग पार्टी का ये प्रयास है, अटेम्प्ट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहती है। पर्टिकुलरली 38, 39 और 42nd जो अमेंडमेंट किए गए, इनके साथ तो काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज देखी गई। आपको ये बात भी समझनी होगी दोस्तों कि यही वो पीरियड था जब इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी हमारे कंट्री में जून 1975 से। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे पार्ट्स में क्रूशल चेंजेस किए गए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिक चेंजेस किए गए जो कि सही नहीं थे। और जब ये रूलिंग पार्टी सत्ता से चली जाती है और दूसरी पार्टी आती है, तो दूसरी पार्टी ने इसे सही करने का काम भी किया। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी देखा है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का अर्थ ये है कि हमारे जुडिशरी ने एक बात साफ कर दी है कि हमारे देश की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। बट इस अमेंडमेंट को करते समय हमारे देश की पार्लियामेंट को एक बात का ख्याल रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और किसी भी अमेंडमेंट के जरिए बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देखिए शुरू में हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होते हैं, फ्लेक्सिबल का अर्थ इजी टू चेंज, रिजिड का अर्थ कि उसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, डिफिकल्ट टू चेंज। तो ये ऐसा इसीलिए किया जाता है कि बैलेंस की जाती है चीज़ों के बीच में, कि किन चीज़ों को आप बदल सकते हो, आसानी से बदल सकते हो, और कौन सी चीज़ें हैं जिसे नहीं बदलनी चाहिए, अगर आपको बदलनी भी है तो आप आसानी से नहीं बदल सकते हो, ठीक है। बट दोस्तों हमारे देश की जुडिशरी ने इसे और मजबूत कर दिया, जो रिजिड वाली कंसेप्ट है इसे और मजबूत कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के ज़रिए, कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जब व्याख्या की गई हमारे देश की जुडिशरी द्वारा केशवानंद भारती केस में, तो ये कहा गया कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और हमारी पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बदल सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, ये हमारे देश की जुडिशरी ने अब तक साफ नहीं किया है या बताया नहीं गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट को हम बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, इस पार्ट को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में नहीं देखते हैं। तो एक तरीके से इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एक तरीके से इस तरीके के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं कि जो रिजिड और फ्लेक्सिबल की जो कंसेप्ट है इसे और साफ यहाँ कर दिया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में भी देखा जाता है, भाई इसका क्या अर्थ है, और हमारे चैप्टर का नाम भी तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, किस तरह से है ये हम देखने वाले हैं, जो चेंजेस होते हैं समय के साथ उन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सोसाइटी में जो बदलाव हो रहे हैं इन बदलाव को रिस्पॉन्ड करने का काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और समय के साथ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाता है। अब देखिए ये सब चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो बाद में, इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन नहीं की गई है, बिकॉज जो चीज़ें अब तक हम देखते आए हैं यही हमारे सवाल का जवाब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, राइट। अब हम जुडिशरी के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों जुडिशरी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है व्याख्या करने में और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। क्या रोल प्ले किया क्या है, समय समय पे हमारे देश की जुडिशरी ने ऐसे डिसीजंस दिए हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी थे, या यूँ कहे कि जिसके ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें साफ कर दी गई, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिसीजन हमारे देश के जुडिशरी ने लिया है, जो वर्डिक्ट दिया था केशवानंद भारती केस में, इसने काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा भी दोस्तों हमें मैच्योरिटी देखने को मिलती है, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर का जो वर्डिक्ट दिया गया था केशवानंद भारती केस में, इसे रिकंसिडर करने के लिए भी कहा गया, 42nd अमेंडमेंट में इसके ज़रिए इसमें चेंज भी किया गया, बट मिनर्वा मिल केस में जो स्टैंड था हमारे देश की जुडिशरी का, ठीक है, कोर्ट ने जो स्टैंड लिया था कोर्ट ने उसे कंटिन्यू रखा, ठीक है, बट द कोर्ट अगेन रिपीटेड इट्स अर्लियर स्टैंड इन द मिनर्वा मिल केस 1980, ठीक है, 1980 में कोर्ट का जो स्टैंड था कोर्ट ने उसे फिर से रिपीट किया। और देखिए आप हमारी जो जुडिशरी है इसने जो डिसीजन दिया था केशवानंद भारती केस में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है हर फ्रंट पे, राइट, हमारी पार्लियामेंट ने इसे मान लिया है, बिकॉज देखिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डिवाइड किया गया है, डिविजन ऑफ पावर अच्छे से किया गया है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवन वेन देयर वॉज टॉक अबाउट रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू भी करना है, इस तरीके की चीज़ भी करनी है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू में भी एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। वेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड द लीडर एंड पीपल ऑफ अवर कंट्री शेयर्ड अ कॉमन विजन फॉर इंडिया। देखिए दोस्तों हमारे देश के लीडर्स ने, हमारे देश के लोगों का एक कॉमन विजन था हमारे देश के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। अगर हम नेहरू जी की स्पीच देखें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो वो भी इसी की बात करती है, ठीक है। तो देखिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी वही विजन था कि डिग्निटी और फ्रीडम बनी रहे हमारे इंडिविजुअल्स की, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे हमारे कंट्री में, वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल, जितने भी नागरिक हैं इन सब सबका विकास हो, ठीक है, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, भाई हमारे देश में यूनिटी बनी रहे बट नेशनल इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है, ये विजन था दोस्तों, और ये विजन अभी भी है, किसी भी तरीके से ये डिसअपियर नहीं हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। पीपल एंड लीडर अलाइक होल्ड द विजन एंड होप टू रियलाइज इट, देयर फोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दिस विजन हैज रिमेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी इवन आफ्टर द हाफ सेंचुरी। ये यही रीजन है दोस्तों, इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इस विजन के बेस पे, ठीक है, जो इस विजन को लेकर चलता है, ये आज भी रिस्पेक्ट और हमारे देश की अथॉरिटी बना हुआ है, ठीक है, एक हाफ सेंचुरी होने के बाद भी। देखिए आई थिंक ये बुक 2005 में अपडेट की गई है, इसे 2005 में लेकर आया गया था, बट दोस्तों
एक बात यहाँ पर हमें यह समझनी होगी कि आज 2018 है और 2018 में भी ये चीज़ें ऐसी ही है जैसे 2005 में हुआ करती थी। जो बेसिक वैल्यू है हमारे कंट्री को गवर्न करते समय ये वैसी ही है। द बेसिक वैल्यू गवर्निंग आवर पब्लिक इमेजिनेशन रिमेन इंटैक्ट, राइट। तो इस तरीके का हमने ये लेसन देखा, इस तरीके का ये हमने ओवरऑल वीडियो देखा जिसमें हमने बात की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। काफ़ी आसान ये चीज़ है, इसे हम 10 मिनट में भी समराइज़ कर सकते थे, बट मैंने कोशिश की कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिया जा सके चैप्टर का, ठीक है। इसे देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। इसे लाइक भी आप कर सकते हो अगर आपको सच में हमारे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू।